हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दोस्त और मेरे चैनल टेक ज्ञान दोस्तों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू करो उससे पहले जरूरी बात कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर उनको पसंद आए वीडियो तो वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए अब देखते हैं आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। तो अब हम जो पहले वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, और आज थोड़ा जो मैं क्विकली वीडियो खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो सैमसंग का A52s स्मार्टफोन जो है अब वो बहुत जल्दी हमें लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। उसका सपोर्ट पेज जो है अब वो इंडियन वेबसाइट के ऊपर जो है वो लाइव हो चुका है, उसका स्पेसिफिकेशन रेंडर्स भी निकल के आए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हमें हूबहू जो है ये A52 की तरह ही ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन चेंजेस के साथ। देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे सैमसंग इस स्मार्टफोन को जो है इंडिया में लॉन्च करती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है तीन अलग एक स्मार्टफोन के बारे में, जो तीनों स्मार्टफोन जो है अब IMEI डेटाबेस के ऊपर जो है वो देखे गए। पहला जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi का Mi 11T स्मार्टफोन जो IMEI डेटाबेस के ऊपर देखा गया है। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है iQOO 8 इंडियन वेरियंट जो है वो देखा गया है, और Mi 11T का भी इंडियन वेरियंट देखा गया है। साथ ही में ब्लैक शार्क 5 जो है ये भी स्मार्टफोन हमें IMEI डेटाबेस के ऊपर देखा गया है, जो मॉडल नंबर के साथ फोटो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मान के चलिए ये तीनों ही स्मार्टफोन जो हमें आने वाले नज़दीकी टाइम के अंदर जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के एक अनदर मी मिक्स सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च एसोसिएशन ने कहा गया है पोस्ट के थ्रू कि एक नया मी मिक्स सीरीज का स्मार्टफोन जो है फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। अगर आपको याद हो, अगर आपने रेगुलर टेक न्यूज़ देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि Xiaomi जो है इस साल प्लान कर रही है कि शायद 2 से 4 फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। अब ठीक है, 4 तो मुझे नहीं लगता था कि आधा साल खत्म होगा अभी लॉन्च करेगी, कोविड की वजह से जो है काफ़ी रुकावट आ गई है, बट मुझे लगता है 1 या 2 स्मार्टफोन जो ईयर एंड तक हमें उसके देखने को मिलने वाले। तो हो सकता है कि शायद मी मिक्स फोल्ड स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर Xiaomi की तरफ से। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में। तो वीवो के ऊपर एक पोस्ट निकल गया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट कहा जा रहा है कि ओप्पो जो है एक नए स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है, जो डायमेंसिटी 810 जो अभी नया एसोसी लॉन्च हुआ है मीडियाटेक की तरफ से, उसके ऊपर हमें लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर में 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। साथ ही में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होगा 48 मेगापिक्सल वाला, साथ ही में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी और 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ हमें जो है ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ये वाला स्मार्टफोन जो है कौन सा होता है और क्या हमें ये इंडिया में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। सो अब जिस अपडेट के बात करने वाले वो है आईफोन के बारे में। सो एक बॉक्स का जो है आईफोन का रेंडर निकल के सामने आया, कहा जा रहा है कि ये शायद आईफोन 13 या फिर 12SP से कह सकते हैं, हालांकि नाम अभी तक कंफर्म नहीं है, बट उसमें हमें ऑरेंज रोज गोल्ड जैसा कलर हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है शायद जो पुराना रोज गोल्ड कलर हो, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद जो है एप्पल प्लान कर रही है कि जो पुराना रोज गोल्ड कलर था उसे ही जो है थोड़ा अलग तरीके से टच दे के जो है वापस से लॉन्च किया जा सकता है। मैंने बहुत टाइम पहले आपको टेक न्यूज़ के अंदर बताया था। सो अब देखते हैं कि क्या हमें इस तरह का कोई स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है और क्या इसे ये 13 आईफोन का बॉक्स है जिसके अंदर एक नया कलर इंक्लूड किया जाएगा, या फिर ये 12S के नाम से कोई एडिशन जो है एप्पल इस बार लॉन्च करने वाली है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के बैंड 2 के बारे में, जिसका फर्स्ट लुक जो है निकल के सामने आया, कुछ रेंडर फोटोज निकल के सामने आए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। 1.4 का हमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, हार्ट रेट मॉनिटर हमें इसमें देखने को मिलने वाला है, स्लीप मॉनिटर SPO2 मॉनिटर जो है देखने को मिलने वाला, साथ ही में इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.1 का जो है सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि जब ये लॉन्च होता है तो कौन से इवेंट में हमें लॉन्च होता देखने को मिलता है और कौन सी प्राइस पे हमें ये हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है जियो फोन नेक्स्ट के बारे में, जिसके कुछ और स्पेसिफिकेशन लीकों के सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है इसके अंदर हमें HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 215 का SoC देखने को मिलने वाला है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ ही में एंड्रॉइड 11 गो एडिशन हमें इसमें देखने को मिलने वाला है वॉइस असिस्टेंट के साथ, और साथ ही में ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ टेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसका जो बूट एनिमेशन है उसके अंदर हमें जियो फोन नेक्स्ट क्रिएटेड विद गूगल ऐसा हमें एनिमेशन जो फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे हो ऐसा हमें देखने को मिलने वाला, और 10 सितंबर से अवेलेबल होने वाला है इंडिया के अंदर। सो आप मुझे बताइए क्या आप इस तरह के बजट स्मार्टफोन के अंदर के इंटरेस्टेड हो गए, घर में किसी भी अगर जो हमारे
बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको सिखाने के लिए कि ऐसा स्मार्टफोन आप लेना पसंद करोगे कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। जैसे अब अगर हम बात करने वाले हैं वो है iQOO 8 स्मार्टफोन के बारे में। तो अब ये जो स्मार्टफोन है वो Geekbench की लिस्टिंग के ऊपर देखा गया है जिसका मल्टीपल सिंगल कोर स्कोर जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ ही आने वाला है। साथ ही में 8GB रैम के साथ हमें लॉन्च तो देखने को मिलने वाला है। देखते हैं क्या प्राइस में हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। हालांकि अब हम थोड़ी देर दूर है उसका लॉन्च से, देखते हैं इंडिया में कब तक आएगा और कौन से प्राइस में ये इंडिया में लॉन्च होता है। अब जिस अपडेट पर हम बात करने वाले हैं वो है Realme के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक फोटो निकल के सामने आया है जिसके अंदर हमें Realme का वायरलेस माउस और साथ ही में USB टाइप सी का जो अडप्टर आता है, पोर्ट आता है जिसमें हम एक्स्ट्रा कुछ वायर्स जो है अटैच कर पाएंगे, उसका फोटो निकल के सामने आया है। और मुझे थोड़ा हंसी इसलिए आ रही है कि वो अडप्टर भी जो है वो पूरा का पूरा ऐसा ही लगता है कि जैसे कि एप्पल का ही अडप्टर हो वैसा ही डिज़ाइन किया हुआ लगता है। इस बार Realme ने काफ़ी हद तक जो है कॉपी किया हुआ है एप्पल को। और इवन जो उसका लैपटॉप है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब इसका फर्स्ट लुक सामने आया था टेक्न्यूज़ के अंदर, मैंने आपको बताया था काफ़ी हद तक जो हमें मैकबुक एयर की याद दिलाता है। अब देखते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमें कौन सी प्राइस पे जो है इंडिया में आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलते हैं। और जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Realme पैड और Realme बुक के बारे में। सो Realme बुक के दो वेरिएंट जो है वो BIS सर्टिफिकेशन पे जो है लिस्ट हो चुके हैं और साथ ही में Realme पैड जो है वो भी अब BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो लिस्ट हो चुका है। मान के चलिए Realme बुक स्लिम तो जो है अभी लॉन्च होने ही वाला है थोड़े दिनों के अंदर। अब ये Realme बुक के दो और मॉडल और पैड भी लॉन्च BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि मान के चलिए आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो हमें बहुत जल्दी Realme पैड भी देखने को मिलने वाला है और दूसरे Realme बुक के मॉडल्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है OPPO के बारे में। तो OPPO के ऑफिशियल्स की तरफ से जो है ट्वीट सामने निकल के आया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है Hey OPPO humans, we are working on something exciting to transform your स्मार्टफोन कैमरा एक्सपीरियंस forever. Interested to know how? आई विश आई कुड टेल, यानी कि मैं आपको अगर ज़्यादा बता पाता तो मैं आपको बता देता, बट एनी गेसेस व्हाट्स कुकिंग एट OPPO। मान के चले कि बहुत जल्दी जो है हमें OPPO की तरफ से 19 अगस्त को जो है कुछ फोटोग्राफी रिलेटेड इवेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि इस इवेंट के अंदर हमें OPPO की तरफ से क्या देखने को मिलता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, देखते हैं कि क्या बात करने वाली है OPPO 19th अगस्त। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Samsung के जो Z सीरीज अभी लॉन्च हुई है वो इंडिया लॉन्च के बारे में बात कर रहा हूँ। सो एक ट्वीट Samsung की तरफ से निकल के आया जो उन्होंने रिप्लाई किया था आलिया भट्ट को और उसके अंदर जो है उन्होंने 20th अगस्त को जो है मेंशन किया हुआ, यानी कि मान के चलिए कि शायद 20 अगस्त को जो है हमें Z सीरीज इंडिया में लॉन्च होते हुए शायद देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि 20 अगस्त को तो Samsung जो है कुछ अनाउंस करती है और किस तरह से अनाउंस करती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है OPPO के स्मार्टफोन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डिजिटल स्ट्रेटजी नहीं हमें अपडेट मिल पाई और उनका जो पोस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग दिस पोस्ट की OPPO जो है एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो काम कर रही है जिसमें हमें 125 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का एसोसिएट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में उसका जो अपीयरेंस है यानी कि जो डिज़ाइन है जो लुक होगा उसका वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये जो नया स्मार्टफोन होने वाला है OPPO की तरफ से वो हमें कब देखने को मिलता है, कौन से सीरीज का हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसका डिज़ाइन जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी उसका जो अपीयरेंस है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Realme के स्मार्टफोन के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू माधव सेठ उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि Realme GT सीरीज जो है वो रिप्लेस करने वाली है Realme X सीरीज को, यानी कि मान के चलिए कि शायद हमें आने वाले टाइम के अंदर जो है शायद X सीरीज के अब स्मार्टफोन नहीं शायद देखने को मिल सकते हैं, ऐसा ही उनका कहना है। तो अब देखते हैं कि GT सीरीज जो है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करने वाली है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो है GT सीरीज के स्मार्टफोन हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। हालांकि Realme की तरफ से हमने आपको ये न्यूज़ बताई थी कि GT सीरीज के अभी और स्मार्टफोन भी जो है वो आना बाकी है। साथ ही मैं एक Realme के जो पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जो है एक फ़ोटो निकल के आया था जो मैं आपको उसमें पर दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि अभी जो है मतलब कि ट्रिपल GT इनोवेशंस, यानी कि 3 GT स्मार्टफोन के GT आपको मीटर वहाँ पे एक में GT मोर लिखा हुआ है, एक में GT हिट डिस्पेंशन लिखा हुआ है, एक में GT वर्चुअल रैम लिखा हुआ है, यानी कि बहुत जल्दी हमें जो है शायद हो सकता है कि 3 स्मार्टफोन हमें लॉन्च होते देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए जो है इंडिया में तो 2 का ही न्यूज़ निकल के आया, अब देखते हैं कि क्या 3 स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं Realme की तरफ से या 2। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है अगेन iQOO 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में। सो ये अपडेट हमें मिल पाई डिजिटल स्ट्रेटजी और उनका जो पोस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है
कि हालांकि उसमें दो जो पॉइंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ टेक्नोस के अंदर, पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग है कि 50 मेगापिक्सल का जो है इसके अंदर हमें 1.1 या 1.5 इंच का जो हमें गिम्बल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि 2K डिस्प्ले तो कॉमन जो हमने पहले बात कर चुके हैं, 50W का वायरलेस चार्जिंग हमें देखने को मिलने वाला है, और जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है वो भी हमें iQOO के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो ये जो कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ जो हमें iQOO 8 Pro स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, शायद इसकी वजह से जो है उसकी प्राइस जो है इस बार थोड़ा एक्सपेंसिव ये स्मार्टफोन होने वाला है। सो अब जिस आखिरी ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ रेडमी 10 के बारे में, जिसका एक ऑफिशियल पोस्टर निकल के आया है कमिंग सून वाला, साथ में उसके कुछ रेंडर्स निकल के आए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसका स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसके अंदर हमें 6.65 इंच का 4HD+98 वाला LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, हीलियो G88 के ऊपर ये रन करने वाला है, साथ ही में क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है जो है 50+8+2+2 का सेटअप, 8 MP का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 18W का फास्ट चार्जिंग, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट, ड्यूअल स्पीकर, आई ब्लास्टर का सपोर्ट, 3.5 mm हमें ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है, दो इसके रैम वेरिएंट हमें लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 128 स्टोरेज भी हमें देखने को मिलने वाला, साथ ही में 6GB रैम के साथ हमें 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाला, और 3 कलर वेरिएंट में हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होता है तो हमें कौन से प्राइस पे जो है इंडिया में देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन जो है काफ़ी हद तक अच्छे रखे गए हैं, इसके प्राइस इसकी देखते हैं कि कितनी अग्रेसिव प्राइस जो है Redmi सेट करती है Redmi 10 स्मार्टफोन की। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे जाइए, टैग ज्ञान सर्च करके आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी कह रहे हो मैं जितना जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ में मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन से लेके दिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।